हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता होगा कि Redmi Note 9 Pro में MIUI 12.0.1.0 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अभी तक आपको नहीं मिला है तो भाई मैंने वीडियो डाल दिया कि कैसे आप अपडेट कर सकते हो विथआउट रूट विथआउट टीआरपी रिकवरी। लिंक डिस्क्रिप्शन में बनाओ, इधर आई बटन आ रहा होगा उस पर टैप करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपके में अपडेट आके चला गया या फिर आया ही नहीं है तो आप जाके सिंपली अपडेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि वेट करोगे इसमें आपका ही घाटा है, अपडेट कर लोगे तो आपका ही फायदा है। तो फायदा देखो, घाटा मत देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है Redmi Note 9। इसका भाई मैंने अनबॉक्सिंग भी डाला था, जिसने नहीं देखा वह अनबॉक्सिंग देख सकते हो। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो 12.0.1.0 एंड्रॉइड 10 हमें देखने को मिल जाता है। सितंबर का सिक्योरिटी पैच है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है और काफ़ी सारे नए नए फीचर्स आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे क्या क्या हमें नए नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल में नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा आपका। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं भाई इस MIUI 12 अपडेट के बारे में। उससे पहले मैं बता दूँ, Redmi Note 7 Pro यूजर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई हो सकता है कि आज शाम को अब मैं वीडियो डालूँ 8, 9, 7, 6 कभी भी अपडेट आ सकता है MIUI 12 का, ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो प्लीज़ चेक करते रहना, जैसे अपडेट आएगा मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन कर रखा है तो, नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना, ज्वाइन कर रखा है तो काफ़ी बड़ी बात है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि पीछे से इन्फॉर्मेशन आती तभी मैं बताता हूँ। तो भाई यहाँ पर बात करते हैं MIUI 12 अपडेट की। तो भाई जाके आप अपडेट कर लो अगर Redmi Note 9 Pro यूज अभी तक अपडेट नहीं किया है। तो भाई जैसे आप इसको अपडेट कर लोगे आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए तो पूरा का पूरा UI चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया बढ़िया फीचर वो क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये Android 10 गेस्चर बार आपको देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी फास्टली वर्क करता है। देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है भाई, इतना ज़्यादा फास्ट तो भाई मैंने पहले किसी में भी देखा। मैं अपने Redmi K20 में भी भाई यूज़ करता हूँ, इतना फास्ट मेरे को इसमें भी नहीं देखने को मिलता, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही फास्ट है भाई यार, मतलब मस्त है यार, काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगा मेरे को इसमें। यहाँ पर जैसे काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, आप इसको यहाँ पर स्क्रॉल यहाँ पर इधर राइट एंड लेफ्ट करोगे तो आपको भाई यहाँ पर सीधे स्विच कर लोगे भाई इधर से उधर एप्लीकेशन में, जो भी आपकी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चालू होंगी। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। तो जैसे आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर लोगे, आप में जितने भी इस फ़ोन में बैन एप्लीकेशन थे, चाइनीज़ के MI ब्राउज़र, MI वीडियो और MI मूवर करके बहुत सारे एप्लीकेशन थे, सारे के सारे रिमूव हो चुके। यहाँ पर जैसे बहुत ही कम एप्लीकेशन रह गए जो कि सिस्टम के यूजेबल एप्स हैं, वही रह गए। बाकी प्ले स्टोर के जो भी गूगल के ऐप्स होते हैं आप उनको भी इंस्टॉल कर सकते हो इस अपडेट आने के बाद, जो कि काफ़ी सही फीचर मेरे को देखने में लगे। अभी अगर हम बात करते हैं सही तरह से कि ओप और हमें क्या क्या देखने को मिला है, भाई देखो यहाँ पर पूरा का पूरा कैमरा का UI आपको चेंज देखने को मिलेगा। जैसे आप ओपन करोगे आपको अलग थोड़ा बहुत परमिशन दी जाएगी, आपको पूछना पड़ेगा क्या करना क्या नहीं। बाकी उसके बाद आपको कुछ इस तरह से UI देखने को मिलने वाला है। 3 डॉट पर आप क्लिक करोगे देख सकते हो पूरा पूरा UI चेंज है। यहाँ पर आप भाई आप सेट कर सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो इसका रेशो वगैरह चेंज कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर देगा पूरा पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा इतना, 90 यहाँ पर 9:16 रेशो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो मूवी फ्रेम भी आप यहाँ पर क्लिक करके मूवी फ्रेम में भी कर सकते हो, यहाँ पर मूवी जो होती है भाई मूवी के टाइप में फ्रेम कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बहुत सारे अलग अलग फीचर्स आप देखने को मिलते हैं, सेटिंग वगैरह चेंजेस कर देगी। यहाँ पर वाटर मार्क का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर मार्क आप अपना नाम वगैरह भी लगा सकते हो, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर अब हम बात करें कुछ और चीज़ इसकी, कस्टमाइज में आप चले जाओगे, फीचर लेआउट में चले जाओगे यहाँ पर आपको लेआउट वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये कैमरा मॉड्यूल है, अभी आपको राइट एंड लेफ्ट करना पड़ता है इधर की साइड, अगर आप इसको कर दोगे अब आपको सीधे नीचे से ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर दिया हुआ भी किस तरह से वर्क करेगा, आप इसको भी कर सकते हो। कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो कि आपको किस तरह के कलर रखने हैं, यहाँ पर जो कलर आते हैं तो आप जो भी चेंज करना चाहे वो आप कर सकते हो। साउंड वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पर साउंड देखने को मिल जाती है 4 साउंड, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप लगा सकते हो। काफ़ी सारे चेंजेस किए कैमरा के ऐप में तो आप जरूर से चेकआउट करें। यहाँ पर गूगल असिस्टेंट वगैरह भी दिया है, यानी कि गूगल लेंस जो होता है वो भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि सही तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और चेंजेस की, तो सेटिंग में हम चलते हैं। सेटिंग्स में मैं बता दूँ यहाँ पर आप सिम वाले में चले जाओगे आपका इसका UI वगैरह चेंज देखने को मिल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। और यहाँ पर आपको चले जाओगे जब भी कभी कोई भी नया अपडेट आएगा तो आपको नया ही अपडेटर देखने को मिलेगा। वॉट्स न्यू में जाओगे तो यहाँ पर आपको सारी हाइलाइट्स लिखी हुई हैं, क्या क्या चेंजेस हुए वो जाके आप पढ़ सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम बात करें कनेक्शन एंड शेयरिंग में चले जाओगे, ये सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। MI शेयर वगैरह देखने को मिलता है, सबसे बेस्ट शेयरिंग ऐप है भाई, जो जिससे कि आप एप्लीकेशन मूवी वगैरह सब कुछ शेयर कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, इसके ऊपर वीडियो जल्दी आएगी, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। लॉक स्क्रीन
चला जाएगा लॉक स्क्रीन में आपको यहाँ पर ग्लैंस 4 MI जो कि आपका ये जो लॉक स्क्रीन में आपको यहाँ पर ये जो आपको देखने मिलते हैं ये चीज़ है। और यहाँ पर फेस अनलॉक देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर फेस अनलॉक में दिखा दे तो आपको, तो यहाँ पर फेस अनलॉक ये देख सकते हो, जैसे ही यहाँ पर फेस दिखाऊंगा तुरंत ही अनलॉक हो जाता है। और यहाँ पर फिंगरप्रिंट आप देख सकते हो टैप करते हैं अनलॉक हो जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। सिक्योरिटी भी काफ़ी ध्यान से इंप्रूव किया गया जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। लॉक स्क्रीन एंड फॉर्मेट में चले जाओ, यहाँ पर आपको एक अलग फॉर्मेट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। ये आप लगा सकते हो जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। पहले एक दो थे, अब जाके 3-4 कर दिए गए हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाओगे तो इसमें आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, इसका जो बार वगैरह ये चेंज देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम वैसी है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। डिस्प्ले में जाकर डिस्प्ले में सबसे तगड़ा चेंज हुआ, सबसे पहले ब्राइटनेस में हम चले जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सनलाइट मोड हमें देखने को मिलेगा और नाइट मोड का भाई यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ब्राइटनेस कितनी रखनी है कितनी। सनलाइट मोड जैसे आप धूप वगैरह में चले जाओगे ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है, जिससे कि आपकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी सी तेज हो जाती है और आपको सही तरह से देखने में मदद करता है जो कि ठीक ठाक है। डार्क मोड, भाई डार्क मोड में सबसे बढ़िया चीज़ है, जैसे आप डार्क मोड को इनेबल कर दोगे जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो भी डार्क मोड में चली जाएगी। यहाँ से आप इसके कॉन्ट्रास्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो आपका बैकग्राउंड यानी कि वॉलपेपर है जो आपका होम स्क्रीन पर लगा है उसको भी आप डार्क में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सारे फीचर, बाकी शेड्यूल भी लगा सकते हो कब से कब तक आपका डार्क मोड इनेबल रहे, ये चीज़ भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगे। सिस्टम फॉन्ट वगैरह आप यहाँ पर चूज कर सकते हो, अभी मैं कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ आप देख लो, ये वाला मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। बाकी सारे के सारे फीचर वही है। यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर देखने मिल जाता है, ये कंट्रोल सेंटर भाई जो कि काफ़ी तगड़ा फीचर है भाई, अगर आपको ये इनेबल नहीं देखने को मिलता, अगर आपका ये वाला देखने को मिलता है तो सिंपल आपको सेटिंग में जाकर इसको इनेबल कर लेना और ये आपका जगह यहाँ पर आप इसको भाई एडिट वगैरह कर सकते हो। तो आप जैसे जैसे मैं एडिट करूँगा आपको जो भी चीज़ यहाँ पर रखनी है आप वो प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, डन कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आने वाले टाइम में यहाँ पर डेटा यूज़ का भी ऑप्शन आ जाएगा, उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना होगा। अब यहाँ पर हम बात करें बाकी सब कुछ सेम टू सेम वैसा कि वैसे ही देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर इस साउंड वगैरह में, साउंड वगैरह मैंने आपको बता दी थी। नोटिफिकेशन वगैरह आपको सेम टू सेम वैसे ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर होम स्क्रीन की हम बात करें, होम स्क्रीन में आपका ऐप ड्रॉ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि ये वाला ऐप देख सकते हो, पोको लॉन्चर जैसे आपको ऐप ड्रॉ ऑफिशियल दे दिया गया जिसको आप यूज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी तगड़ा फीचर है। ऐप ड्रॉ के ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाएगा, सजेशंस हो गया, बैकग्राउंड हो गया, कैटेगरी, स्क्रोल बार, आप इनको अपनी मदद से बस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो क्या क्या आपको रखना है। अब उसके बाद हम यहाँ पर बात करें आइकन साइज वगैरह आप छोटा कर सकते हो जो कि होम स्क्रीन के आइकन है। लेआउट आपको कितना रखना है, मैंने इतना रखा हुआ कि जो सही तरह से एप्लीकेशन दिखाता है। ग्लोबल आइकन एनिमेशन, ये है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी एनिमेशन देखने को मिल जाती है। ये स्टेटस अगर आप इनेबल कर दोगे तो आपके मेमोरी का स्टेटस बार आपको दिखाने लग जाएगा, बंद कर दोगे ये दोनों चीज़ बंद कर दोगे तो अब देख सकते हो यहाँ पर ऊपर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता, लेकिन हम इनेबल कर देते तो आपका ये वाला जो भाई यहाँ पर आपको सजेशन और ये भी आपको देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम बात करें वॉलपेपर की तो देखो भाई इसमें सुपर लाइव वॉलपेपर आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, थर्ड पार्टी आपको इनेबल करने पड़ेंगे जो कि मैंने आपको वीडियो बना के बताए हुए भी, आप जाके कोई भी वीडियो देख सकते हो उसमें मैंने बताया वो सुपर लाइव वॉलपेपर आप कैसे इनेबल कर सकते हो, उसी की मदद से आप कर सकते हो। थीम्स वगैरह भी आपको भाई यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ सेटिंग में हम चले जाएंगे, सेटिंग में यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप जैसे एनिमेटेड प्रीव्यू देखने को मिलता है, कस्टमाइज में आप जाओगे बूट एंड बूट ऑडियो का ऑप्शन है जो कि काफ़ी तगड़ा ऑप्शन है। अब यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की तो मैंने आपको बता दिया था, जिस तरह से फेस अनलॉक हम देख लेते हैं फेस अनलॉक एक ही है या दो है, यहाँ पर आप जैसे दो फेस अनलॉक भी लगा सकते हैं। एक मैंने लगा हुआ ऐड पर टैप करूंगा तो फेस अनलॉक हमें लगाने का और नया ऑप्शन देगा, देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं परमिशन देता हूँ तो यहाँ पर बोलेगा आप फेस अनलॉक लगा सकते हो। फेस अनलॉक का जो यूआई है ये भी चेंज कर दिया गया जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है, तो आप जाके फेस अनलॉक दो फेस अनलॉक लगा सकते हो। यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिया गया प्राइवेसी का जो कि जितनी भी आपकी प्राइवेसी लोकेशन कहाँ यूज़ हो रही है, कॉन्टैक्ट कहाँ यूज़ हो रहा है, कॉन्टैक्ट के लॉक्स कहाँ यूज़ हो रहा है, माइक्रोफोन स्टोरेज ऑल परमिशन पर हम टैप करेंगे तो जो जो चीज़ आपकी यूज़ हो रही है वो सारी चीज़ें बता देगा कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही है। तो देख सकते हैं मैप वगैरह में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को देखा जा रहा है, कैमरा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर आप जाके एक्सेस कर सकते हो, जिसकी परमिशन है उसको आप अलाउ डिनाई भी कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम बैटरी की हम बात करें, बैटरी में आपको अल्ट्रा बैटरी शेवर मोड देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी तगड़ा फीचर है। ये आपको जब वर्क करता है, जब यूज़ में आता है, जब आप ट्रेवलिंग पर जाते हो यानी कि आप इसको ऑन कर दोगे तो आपकी बैटरी देख सकते हो यहाँ पर 216 घंटे तक चल जाएगी जो कि काफ़ी तगड़ी बात है। आप इसको यूज़ करना आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगा, जब आप बाहर ट्रेवल वगैरह पे जाओ तब आप इसको यूज़ करते हो, जब आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना करो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपका फ़ोन जो ज़्यादा दिन तक चल जाएगा। ऐप्स वगैरह में हम बात करें सब कुछ सेम वैसे फीचर आपको देखने मिलते हैं, ऐप लॉक वगैरह थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता है, सब कुछ सेम टू सेम वैसे। एडिशनल में चले जाओगे तो एडिशनल डेट एंड टाइम में आप जाकर यहाँ पर डुअल क्लॉक को इनेबल कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पर रीजन वगैरह, यहाँ पर फुल स्क्रीन गेस्चर में जाओगे तो यहाँ पर जैसे तो ये बटन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा, जैसे आप इसको यहाँ पर इंडिकेटर ऑफ कर दोगे इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा, लेकिन हमें इंडिकेटर रखना क्योंकि ये एक नया फीचर है तो हम इसको इनेबल रखेंगे। बाकी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है जो कि
भी ठीक ठाक है और बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। एक यहाँ पर स्पीकर क्लीन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जैसे आप इसको ओपन करोगे 30 सेकंड तक ये बहुत तेज तेज चिल्लाएगा, जैसे कि आपका जो स्पीकर है जितनी भी डस्ट वगैरह होगी वो निकल कर बाहर आ जाएगी, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। तो इसको 3-4 बार कंटिन्यू करना है, उसके वजह से आपका जो स्पीकर है वो क्लीन हो जाएगा, जो कि ठीक ठाक है। और बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। डिजिटल वेलबिंग दिया गया कि फ़ोन कितनी देर तक क्या यूज़ हुआ, कहाँ का क्या हुआ, 55 बार मैंने अनलॉक कर लिया, 80 नोटिफिकेशन आ गए, क्या क्या यूज़ किया, यूट्यूब थीम्स अदर कैमरा सेटिंग ये सब कुछ यूज़ किया, सब कुछ दिखा रहा है। हमारे अकाउंट गूगल सब कुछ प्राइवेसी यहाँ पर एक और बार दे देगा, लोकेशन वगैरह ये सब आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और नई चेंजेस की, तो यहाँ पर आपको मैंने कैमरा दिखा दिया था। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ गैलरी की, तो गैलरी में काफ़ी तगड़े चेंजेस किए गए, पूरी गैलरी आपको चेंज देखने को मिल जाएगी। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरा, भाई ये वाइड एंगल का था, भाई मेरे को नहीं लगा यार किस तरह से देखने को मिलता है वाइड एंगल। यहाँ पर जैसे वाइड एंगल कैमरा इतना ये हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पर जैसे तो ये है कैमरा, तो कैमरा भाई क्वालिटी थोड़ी ठीक ठाक कर दी गई है पहले से, जो कि काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ सही चेंज क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर कुछ इसमें आपको स्काई का मोड देखने मिलेगा। स्काई के मोड में आप जाके चेंज करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हल्का सा लैगी, आई डोंट नो क्यों, जैसे आप इस पर टैप कर दोगे तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा आपका UI ही चेंज देगा, पीछे का बैकग्राउंड चेंज देखने मिलता है, जो कि भाई UI हमारा जो MIUI 12 UI है उसकी मदद से होता है, जो कि काफ़ी अच्छी फीचर है। आप जाके इसको इनेबल कर सकते हो, डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड कर लेना। और बाकी गैलरी में बहुत सारे और चेंजेस हुए हैं, जैसे कि भाई यहाँ पर थ्रस्टबिन दे दिया गया और पूरा UI चेंज कर दिया, 3 डॉट पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप बहुत सारी सेटिंग भी कर सकते हो, इसका जो लिस्ट में भी रख सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। इस ये सारे छोटे मोटे चेंजेस किए गए तो मैंने सोचा आपको बता दूं। और यहाँ पर आप देख सकते हो वेदर एप्लीकेशन है, वेदर एप्लीकेशन में पूरा 3D UI दे दिया गया, आप देख सकते हो पूरा का पूरा 3D UI है, जो कि देखने में काफी बढ़िया लगता है। और भी काफी सारे चेंजेस किए, कैमरा में क्वालिटी मैंने आपको बता दिया, बाकी परफॉर्मेंस में काफी अच्छी किए गए। रिसेंट टैब आप देख सकते हो, रिसेंट टैब में काफी सारे एनिमेशन दे दिए, जो कि इसके मदद से होता है, यानी कि सिस्टम लॉन्चर इसका काफी बढ़िया कर देगा। या आप देख सकते हो कुछ इस तरह से देखने मिलता है, जैसे फोन को अनलॉक करोगे तो यहाँ पर आपको एक अलग ही एनिमेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं एनिमेशन अलग देखो, पहले स्वाइप अप होते थे जो कि अलग एनिमेशन थी, अब यहाँ पर आपको MIUI 12 में अलग एनिमेशन देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। और बाकी रही लास्ट चीज जो है भाई कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पर आप कंट्रोल सेंटर का यूज़ कर सकते कुछ इस तरह से, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और बाकी मैं क्या बताऊँ, छोटे मोटे चेंजेस किए गए, जैसे कि नोट की एप्लीकेशन को चेंज कर दिया गया, इसमें काफ़ी अलग अलग एनिमेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ पर भी नोट में चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर 60 FPS का कोई ऑप्शन नहीं आया स्क्रीन रिकॉर्ड में, ये थोड़ी सी बुरी बात लगी, आने वाले टाइम में वो भी आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही है, और बाकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया, आपको यूज करने में मजा आएगा। MIUI 11 से MIUI 12 जाने में काफी मजा आया मेरे को, भाई काफी मस्त चल रहा है मेरा डिवाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पर आप कुछ भी पूछ सकते हो। बाकी तो भाई A to Z भाई फोन एकदम मस्त चल रहा, मक्खन चल रहा, MIUI 12 इज द ऑसम भाई। MIUI 12 का काफी दिनों से वेट कर रहे थे हम, MIUI 12 आ चुका है, आप जाके अपडेट कर सकते हो। बाकी कुछ पूछना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, गेमिंग वगैरह सबको मस्त करके चल रहा है। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के जय हिंद जय भारत।